आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। पानीपत में सड़क पर सीवरेज का ओवरफ्लो, बिना बारिश के सड़क पर गंदे पानी का सैलाब देखा जा रहा है। तो सड़क पर सीवरेज का ओवरफ्लो हो रहा है, नाले के पानी से होकर गुजरने को मजबूर है लोग। तो बाजार में दुकानदार परेशान है, दुकानदारी ठप हो गई है। अभी बारिश जैसा माहौल नहीं है, उसके बावजूद भी सीवरेज का जो पानी है वो सड़कों पर ओवरफ्लो हो रहा है। जलभराव के चलते हादसों का शिकार होते हैं लोग। तो पानीपत से ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। पानी की दिक्कत है, यहाँ पानी निकासी नहीं हो रही थी, तो ये तो पानी भरा रहता है, पानी ऐसे भरा रहता है, कोई निकासी नहीं आया। अभी कई प्रशासन के पास हमने कोई सुनवाई नहीं की, ऐसे दिक्कत है सर। ये इसी और बंद पड़े इसके पानी के, बहुत ज्यादा समस्या। यूँ कह रहे सारा साफ करवा दिया, अब तो सड़कें भी साफ है, पानी की सड़कें सर आप देखो, सड़कें साफ कहाँ है, बहुत परेशान हो यहाँ, ज्यादा मार्केट सारी ठप पड़ी है। तो जितेंद्र शर्मा पानीपत से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अभी मैं तस्वीरें देख रही थी, सड़क पर सीवरेज का जो पानी है वह ओवरफ्लो हो रहा है, हालांकि वहां के लोग काफी परेशान हैं, अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से असंत पुल के साथ ये समस्या है, और किसान भवन के साथ लगती हुई बहुत सी दुकानें हैं जो लोग रेंट देते हैं, लगातार महीने का उनसे रेंट वसूला जाता है, लेकिन काम करने के लिए आप यहाँ की स्थिति अगर देखें तो यहाँ पर एक से डेढ़ फुट के करीब पानी भरा हुआ है, और पानी सबसे बड़ी बात है कि गंदा पानी है, लगातार उसका रिसाव नहीं होता, ओवरफ्लो नाले हैं, और आम लोग जो हैं, जो यहाँ पर जो रोजगार के लिए काम करते हैं छोटे बड़े, वो लगातार परेशान है। और सबसे बड़ी बात है, अंडर बाईपास भी बनाए एक रेलवे ट्रैक को लेकर, जिसको लेकर कहा गया था कि यहाँ पर पानी जो है नहीं रुकेगा, लेकिन आप अगर कैमरे में देख रहे हैं, आम लोग जो खड़े हैं उनकी क्या कुछ समस्या है, उनसे बात भी करते हैं। सर क्या कुछ है यहाँ, डेढ़ फुट से ऊपर ज्यादा पानी है, जिससे सारे दुकानदार परेशान है। क्या कुछ है यहाँ, पानी निकासी के लिए कोई प्रबंध नहीं है, क्या कहेंगे सर? मैं तो सारी बात ये देखता हूँ, प्रशासन को सब कुछ पता है, यहाँ से पब्लिक आ जाती है, स्कूल के छात्र भी आते जाते हैं, और यहाँ से सबसे ज्यादा तो दुकानदारों को परेशानी उठानी पड़ रही है। और ये गंदा पानी इस तरह से रुका रहेगा तो बीमारी का भी सबसे ज्यादा भयंकर डर है, क्योंकि यहाँ आसपास के लोग हैं वो सबसे ज्यादा दुखी है, जबकि प्रशासन को पता है, और यहाँ के जो वार्ड पार्षद है उनके भी देख रेख में, लेकिन वो भी सुनाई नहीं कर रहे हैं। आप है, क्या कहेंगे, आपकी दुकान भी है यहाँ पे? सर यहाँ पे काम करने के लिए भी जगह नहीं है, इतना पानी भर जाता है यहाँ पे, दुकान के अंदर तक पानी चले जाता है। ये यहाँ पे पुलिया बना दी, लेकिन पुलिया करोड़ों रुपए लगा दिया सर, लेकिन हमारे को कोई सुविधा नहीं है। डेढ़ साल पहले परेशान रहे इसके काम होने की वजह से, दुकानें बंद रही हमारी, कोई समस्या नहीं, बहुत परेशानी थी हमारे को। अब ये सर हम पानी की वजह से परेशान है, डेढ़ फुट पानी है कम से कम यहाँ पे, उसको कोई निकालने वाला नहीं आ रहा, कोई सुनवाई नहीं, हमने कंप्लेंट भी डाल ली, कोई सुनवाई नहीं, हमारी कस्टमर हमारे तक पहुंच ही नहीं पाता सर, पीछे का पीछे रह जाता है। आप ये देख सकते हैं, हमारे साथ महिला भी है, हम इनसे भी पूछेंगे, आप चारों तरफ देख सकते हैं, और एक बार मैं तस्वीर और आपको दिखा दूं कि ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके की समस्या है। और लगभग सबसे बड़ी बात यह है कि जो राहगीर यहाँ से अपने वाहन लेकर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं गिर भी जाते हैं, और आप देख रहे हैं किस तरीके से सीवर, और किसी प्रकार की कोई बारिश नहीं है, मौसम सामान्य है, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके की यहाँ पर जो है स्थिति बनी हुई है, कि लगातार जो है लोग बाग जो है बड़े परेशान और चिंतित हैं, लेकिन आज तक इस समस्या का हल नहीं हो पाया है। जी जितेंद्र, मैं तस्वीरें देख पा रही हूँ, लेकिन सवाल ये है, आप लोगों से पूछिए कि जो समस्या है ये कितने समय से बनी हुई है, क्या इस समस्या को काफी लंबा वक्त हो चुका है, क्योंकि संबंधित जो अधिकारी है क्या उनसे कोई बातचीत नहीं हो पाई है? देखिए, ये जो समस्या है कितने दिन से ये चली आ रही है, क्या इससे संबंधित तो आपने शिकायत की हो कमिश्नर को? पहले भी कई बार शिकायत कर चुके हैं हम, कभी भी हमारे सुनने शिकायत का कोई भी मतलब के नहीं आए, पता करने भी नहीं आए किस हालत में है, किस हालत में नहीं है, रोजगार हमारा चल रहा है नहीं चल रहा है, दुकानदार परेशान है, गाहक आता नहीं दुकान पे, सात दिन बैठ बैठ के चले जाता है, बोने तक नहीं हो पाती हमारी, अब इतने पानी में गंदे पानी में कौन कस्टमर हमारे पास आएगा, इसलिए हम बहुत परेशान हैं, प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी समस्या का समाधान किया जाए। क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे यहाँ पर, आप भी दुकानदार हैं? सर जी, ये दुकानदारी बिल्कुल जीरो हो चुकी है, ये दुकानदारी जीरो हो चुकी है, करोड़ों का प्रोजेक्ट बना के उसके बावजूद भी कोई हल नहीं है इसका, कम से कम इस समस्या का हल निकले, दुकानदार आए, जीवन लीला चले, तो नहीं तो यहाँ आते हैं बैठ के चले जाते हैं हम।
देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस तरीके से गंदगी है इस समय, मैं आपको बता दूं कि हम लोग भी जो है गंदे पानी में खड़े हैं, सीवरेज का पानी है। और सबसे बड़ी बात है निकासी की कोई ऐसा समाधान नहीं किया गया कि ये गंदा पानी निकल सके। और सबसे बड़ी बात है ना, यह कहा जा सकता कि पानी कब तक खड़ा रहेगा, लेकिन आम लोगों का जो गरीब तबके के लोग हैं, जो रोटी मजदूरी करते हैं, उनके लिए समस्या बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मैं अपने कैमरे में आपको एक पिक्चर और दिखाना चाहूंगा। देखिए अंडर बाईपास के लिए जो आप जो देख रहे हैं ये ट्रेन जा रही है, उसके लिए अंडर बाईपास बनाया गया था और उसके लिए एक बजट निर्धारित किया गया था, लेकिन समस्या 10 की 10 बनी हुई है। आम लोगों को जो है आने जाने में दिक्कत होती है। अगर आप कैमरे में देख रहे हैं तो जो अंडर बाईपास है उसके नीचे भी पानी भरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है रामलाल चौक से जो है मेन जीटी रोड पे जाने के लिए यही रास्ता है, और यहाँ पर जो है आम लोग जो है किस तरीके से आ जा रहे हैं, ये तस्वीर आप खुद देख सकते हैं। आम लोग जो है इससे परेशानी नहीं, लोग बाग जो यहाँ पर दुकान करने वाले हैं वो भी काफी परेशान है जी। चलिए जितेंद्र, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिना बारिश के सड़क पर गंदे पानी का ओवरफ्लो हो रहा है, सीवरेज का ओवरफ्लो है, जिससे कि बीमारियां फैलने का भी खतरा है। हालांकि तस्वीरें आपने देखी, हमारे संवाददाता ने सारी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई है। दुकानदारों से भी बात करते हुए देखिए, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कोई भी समाधान इस समस्या का नहीं हुआ है, काफी लंबे समय से ये समस्या जस की तस बनी हुई है।